होना चाहिए। पारे, पारे। गेट का जो एग्जाम होता है, ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उसमें से इंजीनियर भर्ती करते हैं। हम उसमें से नहीं देखते कौन किस प्रांत का किस प्रांत का नहीं। सीएम साहब अपने पिछले घोषणा पत्र को लेकर क्यों नहीं जाते जनता के बीच? अगर कामों की फरिश्ता है, सब लोगों को काम का पता, काम बोल रहा है, तब ये जनता इतनी अपार भीड़ जो आ रही है, अपार हमको जो प्यार मिल रहा है, उन्हीं कामों के कारण मिल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कोशिशों में लगे हैं। कौन पार्टी जनता को साध पाती है, जनता का वोट अपने हिस्से में डाल पाती है, ये देखना अगले कुछ दिनों में बेहद अहम होगा। इस बीच तमाम दलों में जब उठापटक चल रही है, कहीं बंटवारा हो रहा है, कहीं विभाजन देखने को मिल रहा है, कहीं कोई पार्टी एकजुट नहीं है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान करीब करीब दो तिहाई हरियाणा कवर कर लिया है और अब वो हरियाणा के भिवानी इलाके में है, वो इलाका जो अपने जल संकट के लिए जाना जाता है, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। आज हम चलेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और समझेंगे कि वो आखिर जनता के बीच जाकर उनसे क्या वादे कर रहे हैं, उन्हें क्या दलीलें दे रहे हैं, वो किस लिए अपना लाइसेंस रिन्यू करने की बार बार बात कर रहे हैं एक सूखे इलाके से, जहां से वो कहते हैं कि आपकी रसोई के नल में जल ज़रूर आएगा। ये जन आशीर्वाद यात्रा की बस है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और इस बस में हम सफ़र करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ और उनके साथ बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे कि स्थिति क्या है और कैसी है और उन्हें कैसा रेस्पॉन्स इस दौरान देखने को मिल रहा है। गेट का जो एग्जाम होता है, ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उसमें से इंजीनियर भर्ती करते हैं। हम उसमें से नहीं देखते कौन किस प्रांत का किस प्रांत का नहीं। सीएम साहब अपने पिछले घोषणा पत्र को लेकर क्यों नहीं जाते जनता के बीच? अगर कामों की फरिश्ता है, सब लोगों को काम का पता, काम बोल रहा है, तब ये जनता इतनी अपार भीड़ जो आ रही है, अपार हमको जो प्यार मिल रहा है, उन्हीं कामों के कारण मिल रहा है। हम जन आशीर्वाद यात्रा की बस में सवार हो चुके हैं। हमारे साथ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। मनोहर लाल जी, लिविंग इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजन जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आप यहाँ आए। धन्यवाद। पाँच साल कैसा हाल? देखिए, पाँच साल में आप देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में, आज मेरी 75 विधानसभाएँ हो चुकी हैं, बल्कि 76 हो गई हैं, और आप देख रहे हैं कि इतना अभूतपूर्व जो स्नेह, जो प्यार, जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसी में से हमको लगता है कि हमको संतोष है भी। पाँच साल जो हमने काम किया उस पर लोगों ने मोहर लगाई है और निश्चित रूप से हमारे लिए संतुष्टि की बात है। मनोहर लाल जी, विपक्ष जो है वो कहता है पाँच साल में हरियाणा को बेहाल कर दिया है, कोई किसी के कर्म का नहीं छोड़ा। जब विपक्ष का अपना बेहाल है तो उनको सब बेहाल लगता है, उनका तो हाल बचा नहीं है कोई, इसलिए जब उनका हाल बचा नहीं है तो निराशावादी आदमी कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलेगा, इसलिए बोल रहे हैं, हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है कोई। हमने लोकसभा चुनाव में देखा अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, वहाँ पे मोदी का करिश्मा था, क्या मनोहर का चमत्कार देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ नेतृत्व का ठीक है, अपने आप में एक नरेंद्र मोदी जी का देश में जो स्थान बना है, दुनिया में जो स्थान बना है, उसका निश्चित रूप से हमको लाभ मिल रहा है, और उसके बाद पार्टी की नीतियाँ हैं, पार्टी के सिद्धांत हैं, और हर सरकार की अपनी उपलब्धियाँ, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हों, हरियाणा सरकार की उपलब्धियाँ हों, उन सब चीज़ों का लाभ हमको मिलेगा। किसी एक फैक्टर पर हरियाणा का चुनाव नहीं है, हरियाणा का चुनाव कुल मिलाकर एक मिला जुला ऐसा फैक्टर है, उसमें निश्चित रूप से राष्ट्रवाद, 370 और जो आतंकवाद को ख़त्म करने का नरेंद्र भाई मोदी का जो संकल्प है, वो अपने आप में एक अद्भुतपूर्व है, तो इस नाते से हर एक चीज़ का एक लाभ हमको मिलने वाला है। युवा एकता संगठन खानक भाई, सुनिए, आपकी खानक की जितने भी समस्या है, पीने के पानी की समस्या, हमको पहले से पता है, मैं पीछे जाके बता के आया हूँ, मैं अभी बोल के आया हूँ कि अब इस इलाके में जो पीने का पानी है, नहरी पानी, क्योंकि नीचे का पानी तो बहुत डाउन चला गया, 2 किलोमीटर दूर से पानी अभी भी लेके आने, आरओ प्लांट की बात हुई थी पहले, आरओ प्लांट की बात हुई है ना, हाँ, तो आरओ प्लांट आपके लगा के देंगे, कितने प्लांट पहले कितने लगे,
चार प्लांट की खानक खानक गांव में, ठीक है। मैं इसका ध्यान करता हूँ, मैं इसका ध्यान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, ध्यान करता हूँ, लगेगा ये, चलिए हो जाएगा, एक साल पहले जब मिला था साहब, मैं आपसे फिर हो जाएगा। ये बोर्ड लगा हुआ था सीएम साहब, सीएम साहब रुको रुको, असली समस्या यहाँ है। ये जो पानी की समस्या है भिवानी हल्के की, पूरे में तो शाम की या बाड़ला की, तमाम हलकों की, मैंने पिछले पहले भी आपको सुना कि आप कह रहे हैं कि रसोई में नल से जल आएगा, पिछले घोषणा पत्र में भी पार्टी का ये वादा था। हमने रसोई तक पानी पहुंचाने की बात कभी नहीं की। हाँ, पानी की, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में ये आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। और पानी जो है वो हमको उपलब्ध होना है या तो पंजाब की नदियों में से या फिर यमुना में से। अब यमुना का पानी बहुत सीमित पानी है, पंजाब की नदियों का जो पानी है वो पंजाब वाले हमको जितना शेयर है हमारा वो देने के लिए तैयार नहीं है। SOL का विषय कई वर्षों से जो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था, उसको हमने अर्ली हेरिंग का केस बनवा करके उसको सुनवाई कराई और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि हरियाणा के पानी को हरियाणा को मिलना ही चाहिए। तो बहुत जल्दी उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आते ही मुझे लगता है कि SOL जरूर बन जाएगी और ये पानी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें आदेश दे रखा है कि तीनों केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार मिलकर इसको शॉर्ट आउट करें। देखिए ये क्योंकि पॉलिटिकल इशू बन चुके हैं इसलिए सरकारें मिलकर के कर पाएंगी ऐसा मुझे कम लगता है। अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय देना पड़ेगा और निर्णय देने के बाद जिसके भी जिम्मे जो काम लगेगा वो निश्चित रूप से करेंगे ही, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही इसमें सर्वोपरि है, वो आएगा तो काम आगे होगा। मैं एक उदाहरण देता था कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के बीच वैसा ही मुद्दा है जैसे जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच, या उसमें हम POK कह लें केवल। केंद्र सरकार ने एक मुहर लगाई और कश्मीर पर भारत पूरी तरह से या पूरी तरह से धारा 370 खत्म करके हमने उसको अपने वो कर लिया है कि अब वहाँ कोई आतंकवाद को रोकने के लिए जो तमाम चीज़ें की गई हैं। चंडीगढ़ एक उदाहरण के तौर पे मैंने कहा, SYL पे लोग मतलब ऐसा क्यों ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो राजनीतिक मुद्दा, आप खुद कह रहे हैं कि राजनीतिक इशू बन चुका है, एक ऐसी पहल सकारात्मक रूप से क्यों नहीं हो सकती कि हमारे जो किसान परेशान हैं हरियाणा में, जो पानी का संकट आप खुद देख रहे हैं, एक ऐसी पहल की जा सकती है क्या? देखिए वो विषय अलग है क्योंकि वो दो देशों के बीच का एक विवादित मुद्दा है और जब दो देशों के बीच में विवाद बनाया गया उसमें निश्चित रूप से भारत का अपना एक हक है और वो भारत का ही एक हिस्सा होने के नाते से जो 370 है वो भी हमारी अपनी सरकार ने लगाई हुई थी और 370 के कारण से जो कश्मीर का विलय जो हमारे देश के साथ परमानेंटली होना चाहिए था वो हमारे अपने सरकार के अंतर्गत आता था, हमने अपना कर लिया, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये जो कि तीनों इकाइयाँ अपनी ही इकाइयाँ हैं, अपने देश की हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे केंद्र सरकार हो, तो इसमें कुल मिलाकर के एक तरफा कोई भी विषय कोई एक सरकार नहीं कर सकती। अंतोगत्वा उसका निर्णय, न्याय संगत निर्णय सुप्रीम कोर्ट जो करेगा, फिर जिसके जिम्मे जो काम लगाएगा वो सरकार को उसको करना ही पड़ेगा। साल हमने इस प्रदेश की जनता की सेवा की है, हर वर्ग की खुशहाली के लिए हमने काम किया है, विकास के काम में भी कोई कमी छोड़ी नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि अगले 5 साल का आप हमको आशीर्वाद दो, इससे डबल गति से काम करेंगे। आपकी हर समस्या का हल करना हमारा काम है, चाहे आप पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, किसान की समस्या है, सब बातों को हम ठीक करेंगे। आज हमने हरियाणा के किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है, कल डिटेल में आप लोग आप जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं काम भी बता रहा हूँ। अगर हमने काम किया है तो मैंने सुना था कि काम बोलता है, बताने की क्या जरूरत? हमारी भी यही मत है, यही राय है। जब हमने शुरू शुरू में काम करना शुरू किया तो मीडिया के लोगों ने ये पूछा कि आप करते बहुत हैं, बताते नहीं हैं। मैंने कहा देखिए हम बताएंगे ऐसा नहीं, हम तो करते चले जाएंगे, काम अपने आप बोलेगा। और जब काम बोलता है तभी ये इतनी सारी जनता, हम तो 1-2 मिनट 4 मिनट अपनी बात करते हैं लेकिन कामों की इतनी फरिश्त है, सब लोगों को काम का पता है, काम बोल रहा है तब ये जनता, इतनी अपार भीड़ जो आ रही है, अपार हमको जो प्यार मिल रहा है वो उन्हीं कामों के कारण से मिल रहा है। अगर हम वर्ष में एक बार पूरा राउंड लगाते हैं इसका अर्थ नहीं है कि सब लोगों को हम बता पाते हैं, लेकिन फिर भी इस यात्रा में जिस एक प्रकार का इतना उत्साहजनक वातावरण बना है ये उन कामों के कारण से ही बना है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन जय हिंद,
वो कहते हैं कि सीएम साहब अपने पिछले घोषणा पत्र को लेकर क्यों नहीं जाते जनता के बीच, या जन आशीर्वाद यात्रा से जब वो खड़े होते हैं तो अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं बताते। मेरा घोषणा पत्र सारा लागू हो चुका है, और बल्कि घोषणा पत्र से तो बहुत बातें ऐसी जो हमने कभी उस समय सोची भी नहीं थी और लिखी भी नहीं थी। हमने पढ़ी लिखी पंचायतें ये अगर बनाई हरियाणा में, क्या हमारा घोषणा पत्र में लिखा हुआ? जो पढ़ी लिखी पंचायतों का जितना लाभ हुआ है, हर सरपंच, पंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, पढ़े हुए लोग एक से एक बढ़ करके टॉपर्स, और वो पंचायतें आज चला रहे हैं, प्रदेश अपने गाँव का विकास कर रहे हैं, तो ये तो बात हमारे घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी। हमने हरियाणा को कैरोसिन फ्री किया है, ये कैरोसिन फ्री करने का क्या विषय हमने घोषणा पत्र में लिखा था? नहीं लिखा था। फिर भी हमको ध्यान में आया कि नहीं, पर्यावरण के नाते या प्रदूषण को समाप्त करने के नाते देश के अंदर एक मुहिम चली है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम सबको गैस सिलेंडर कनेक्शन दें और कैरोसिन फ्री कर दें। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट विच डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज कैरोसिन फ्री स्टेट। लेकिन जो स्थितियां पर्यावरण के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने ODF भी किया हुआ है हरियाणा को घोषित रूप से, कई जगहों पे शिकायतें मिलती हैं कि पूरी तरह से कारगर नहीं है। देखिए, सारे प्रदेश में आज ODF हो चुका है। अब ODF होने के बाद भी, क्योंकि एक ऐसी एक नेचुरल एक्टिविटी, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि मनुष्य स्वभाव में भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के घर के अंदर शायद उसको पसंद ना हो, या कई बार माइग्रेंट लोग भी आते हैं, बाहर से आते हैं, लेबर आती है, या कई बार पैसेंजर्स होते हैं, बहुत सब लोग होते हैं, तो ये अपने घर की व्यवस्था तो सबने ठीक कर ली है, शौचालय सबके बन गए हैं। अब कहीं मान लो कि छोटे मोटे एक आध घटना कहीं हुई होगी तो हमको नहीं लगता कि कोई शेष समस्या बाकी बची है। आज अवेयरनेस इतनी है कि हर मकान में परिवार अपनी शौचालय पहले घर में बनाता है और उस शौचालय का प्रयोग सब करते हैं, उसकी सारी व्यवस्था हरियाणा में हो चुकी है। आपके इतने कार्यक्रम हैं इस यात्रा के दौरान, कभी 50 से ऊपर, कभी 100 से भी ऊपर, तो ये जो लोग आ रहे हैं आप इनमें उम्मीदवार छांट रहे हैं क्या? नहीं, हम देखिए जनता में एक अपनी बात कह रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि हमको अगले 5 साल के लिए कम से कम जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है तो हम ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि अगली बार भी हमको 5 साल जनता की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा उसमें ठीक प्रकार से उनकी सेवा कर सकें। ये सुनिश्चित करने के लिए यात्रा एक जनसंवाद का एक कार्यक्रम है, और इस जनसंवाद के कार्यक्रम में हमने उस नाते से धन्यवाद उस नाते से इस कार्यक्रम को बनाया हुआ है कि जनसंवाद चुनाव का एक आवश्यक अंग होता है। चुनाव आ रहे हैं, 1 महीना बाकी है तो हम जनसंपर्क के लिए निकले हैं, और यात्रा एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें अधिक से अधिक जनसंवाद ये होता है। हमारे यहाँ परंपरा है कि वर्षा के 4 महीनों में यात्रा नहीं करते, आपने चुनाव से पहले यही समय चुना। देखिए, वर्षा का प्राय काल तो वैसे समाप्त होने वाला है, लेकिन आखिर इन चीज़ों में कोई वर्षा का प्रभाव हमारी यात्रा पर पड़ेगा नहीं। हम तो शुरुआत जिस दिन की थी उस दिन भी खूब वर्षा थी, बीच में भी वर्षा आई है, तो वर्षा किसी भी समय आएगी, धूप किसी भी समय होगी, हमको ना धूप का, ना वर्षा का, ना आंधी का, ना झक्कड़ का कोई चिंता नहीं है। जब जनता को फर्क नहीं पड़ता, जनता पूरे हर प्रकार के मौसम में आशीर्वाद देने के लिए हमको आ रही है, तो हमको निकलने में कोई दिक्कत नहीं। मनोहरलाल जी, आज किसानों से जुड़ा कोई मसला भी एक प्रकाश में आया है कि किसानों के लिए एक राहत पैकेज की आपने बड़ी घोषणा। हाँ, ठीक बात है। आज हमने जो किसानों के ये शॉर्ट टर्म लोन की जो किस्तें होती थी वो कई बार टाइम से नहीं भर पाते थे। टाइम से भरने पर तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन अगर टाइम से नहीं भर पाते, डिफाल्टर होने के बाद, NP होने के बाद, उनके ऊपर 7% का इंटरेस्ट और 5% की पेनल्टी भी लगातार लगती रहती है। ऐसा देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों से लगभग 8.25 लाख किसान ऐसे हैं जो हमारे यहाँ NPA हैं, उनका सब हिसाब किताब लगाया गया, तो पैक्स का अकाउंट्स का जितना भी उनका पेनल्टी, जितना इंटरेस्ट, वो उनको आज माफ़ कर दिया गया है। जो कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनमें भी जो लोन लिए हुए हैं उसका भी हमने ब्याज कुछ हद तक माफ़ किया है। 5 लाख तक का जो लोन है उसमें उनका इंटरेस्ट 2% रहेगा, और 5 से 10 लाख का 5%, 10 लाख से ऊपर का 10%, इसमें भी बहुत बड़ी राहत उनको दी गई है। ऐसे ही लैंड मॉर्गेज बैंक
इसमें भी लगभग 30,000 से ऊपर किसान वो डिफॉल्टर हो गए थे, उनको भी 50% इंटरेस्ट माफ़ कर दिया है, बाकी 50% दे करके वो अपने अकाउंट को एक प्रकार से ठीक कर सकते हैं। 3 महीने में ये सारी चीज़ें किसानों को करनी होंगी। इसके कारण से 5,000 करोड़ रुपए का एक रिबेट, एक पैकेज ये किसानों के लिए हमने दिया है, जो एक बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए है। मनोहरलाल जी, एक 6,000 रुपए की किस्त भी और शुरू करवाई है केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी, लेकिन पिछले चुनाव के समय में प्रचार के दौरान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से कहती थी। कई बार दाम बढ़े भी हैं जींसों के तमाम अलग अलग, लेकिन वो रिपोर्ट आज भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। किसान खुद को परेशान और असहाय समझते हैं। देखिए, एक जुमला बन चुका है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट का जुमला बन चुका है, किसी आदमी ने उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं और उसमें जितने भारतीय जनता पार्टी ने लागू किए हैं इतने तो कांग्रेस ने भी लागू नहीं किए थे, उन्होंने तो कुछ नहीं लागू किया था। जैसे सबसे बड़ा विषय उसमें था कि किसानों को 50% उसकी जो कॉस्ट का ये लाभांश मिलना चाहिए, वो हमने 50% तो कर ही दिया, कुछ फसलों में तो 50% से भी ऊपर किया है। मसलन बाजरा, बाजरे में 92% लाभांश ये हमने किसान को दिया है। तो क्या अगर केवल स्वामीनाथन रिपोर्ट पर रहते तो 50% होता? आज संयोग से बाजरे का रेट गेहूं के रेट से भी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए जहां जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसको रेट तय किया गया। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने कहा था कि न्यूनतम कंपनसेशन 1 एकड़ पर 10,000 रुपये मिलना चाहिए, हरियाणा सरकार ऐसी है जिसने 12,000 रुपये का कंपनसेशन दिया है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि फसल का बीमा होना चाहिए ये भी उसमें कंडीशन थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनको 25,000 रुपये मिलता है। तो कितनी ही शर्तें, अच्छे बीज की बात की गई, मार्केटिंग व्यवस्था अच्छी की गई, आज हरियाणा की मार्केटिंग व्यवस्था आसपास के सब प्रांतों से अच्छी है। उसका उदाहरण है कि जब फसलें प्रोक्योर की जाती हैं तो पंजाब की फसलें, राजस्थान की फसलें और पश्चिमी उत्तर की फसलें ये हरियाणा की मंडियों में आके बिकती हैं। अगर हमारा मार्केटिंग का अगर इस प्रकार का व्यवस्था नहीं होती, हमारी मंडियों का सुधारीकरण नहीं होता, तो ये आसपास के लोग यहाँ बेचने क्यों आते? वो बेचने आते हैं। मेरा कहना है कि कोई एक बार स्वामीनाथन रिपोर्ट को पढ़े तो सही, उसमें कितना कुछ हमने लागू कर दिया। ये जो जुमला बन गया स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया, लागू नहीं किया, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कोई एक ही क्लिक में सारा कुछ होना था ऐसा नहीं है। ये समय समय पर योजनाएं अलग अलग बनती हैं, उसको हम लागू करते हैं। ठीक है, एक आजकल रोजगार का मुद्दा बहुत हाईलाइटेड है, चाहे वो केंद्र से जुड़ा हो चाहे हरियाणा से जुड़ा हो। हालांकि आपका दावा है या सरकार का दावा है कि 70,000 लोगों को आपने नौकरियां दी हैं, पारदर्शिता के साथ दी हैं, ऐसा दावा है, लेकिन दावा नहीं, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड 70,000 तो हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, 4,000 इसके अलावा वो हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, और ये तो सरकारी नौकरियाँ हैं। इसके अलावा बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, इनमें जो नौकरियाँ मिली हैं वो इससे अलग मिली हैं। जो जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीमें होती हैं अलग अलग, जिसको हम कहेंगे ग्रुप वन, इसकी जो आउटसोर्सिंग की, आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, इसमें अलग नौकरियाँ हैं। फिर जो प्राइवेट नौकरी है हरियाणा के अंदर मिली है स्किल डेवलपमेंट के बाद भी, उनको अच्छे हुनर सीखने के बाद जो लोगों ने नौकरियां दी हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें भी 50,000 से ऊपर MSME, जिसके अंदर 5 लाख के आसपास प्राइवेट नौकरी लोगों को मिली है। ऐसा नहीं कि 70,000 या 75,000 मिली है, ऐसा पहली बार हुआ है या देखने में आया है कि प्राइवेट नौकरियों को भी सरकार अपने खाते में काउंट करती है? ऐसा नहीं, अकाउंट नहीं, आखिर उसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है। और जब हमें तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर देने हैं, नौकरी हर साल 2 लाख लोग नए जुड़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में, तो हमें तो एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर पैदा करने हैं। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आखिर पिछले 5-10 वर्षों में हुड्डा सरकार ने कितनी नौकरियाँ दी थी? उससे ज़्यादा तो हमने 5 वर्ष में दे दी है। सरकारी नौकरी के आधार पर केवल एम्प्लॉयमेंट का खाता पूरा नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमें, प्राइवेट जॉब्स, सरकारी नौकरियां, ये सब मिला करके अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमको योजना बनानी पड़ेगी। हम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इलाके में आ चुके हैं, हिसार जिले में आ चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वजह से इस जिले का नाम पूरे देश में और विदेशों में भी है। पिछले घोषणा पत्र में आपने वादा किया था कि हरियाणा की 2 ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाएंगी, उस दिशा में कोई प्रगति है? उसमें है ना, हमारी जनरल यूनिवर्सिटीज में MDU और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये दोनों A+ कैटेगरी की हो गई हैं, और देश भर की 100 यूनिवर्सिटीज़ में इन दोनों यूनिवर्सिटी का नाम आ गया है। और जहाँ तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आज पूरे देश में अपना स्थान रखती है। अब साथ में हमने एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर, सॉरी
करनाल जिले में वो बनानी शुरू कर दी है। इसी प्रकार HAU का एक पार्ट लुवास यूनिवर्सिटी वो भी अपने आप में प्रगति पर है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 49 हो चुकी हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाई के नाते हरियाणा बहुत कदम आगे बढ़ चुका है और इनका जो लेवल है, इनका जो स्टैंडर्ड है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक श्वेत क्रांति का भी वादा था। श्वेत क्रांति में हमारे यहाँ दूध की पोजीशन है आज भी देश में नंबर 2 पर है। हमारे यहाँ जब हमने सरकार संभाली उस समय 700-750 ग्राम पर व्यक्ति पर कैपिटा ये दूध का प्रोडक्शन था। आज 1100 ग्राम ये पर कैपिटा हमारे यहाँ दूध का प्रोडक्शन हो चुका है। अब इसमें से ये अलग बात है कि आज दूध का इतना भाव या उस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको उतना लाभ किसान को मिलता नहीं है। अगर थोड़ा इसकी योजना बनाएंगे तो किसान को दूध के पशुपालन का और ज़्यादा एक लाभ मिले, ऐसी योजना बनाएंगे। बस एक 2 मिनट और लूँगा मैं आपके। पिछले दिनों एक खबर वायरल हो रही है कि बिजली विभाग में SDO की भर्ती निकली और उसमें 40 पद हैं, 80 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें सिर्फ 2 हरियाणवी लोग हैं। देखिए, ये सारा कुछ हम ट्रांसपेरेंट नौकरियों के माध्यम से गेट का जो एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, उसमें से इंजीनियर भर्ती करते हैं। हम उसमें से ये नहीं देखते हैं कौन किस प्रांत का है, किस प्रांत का नहीं है। गेट में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन होना, हायर एजुकेशन में एडमिशन कितने लोगों के हुए, और उसके बाद जो बच्चे हैं जिन्होंने नौकरी को ज्वाइन किया, नौकरी ज्वाइन करने वालों की भी इच्छा होती है उसमें, कौन उसमें नौकरी ज्वाइन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। ये तो कुल मिला करके गेट के एग्ज़ाम में हरियाणा के लोग कितने पास हुए इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। और यदि गेट के एग्ज़ाम में हरियाणा के लोग पास नहीं हुए तो ये विषय एकदम दूसरा हो जाता है। फिर वो गेट में पास क्यों नहीं हुए, हमें इसकी चिंता करनी पड़ेगी, ताकि हरियाणा का जो नौजवान है वो गेट का या तो एग्ज़ाम नहीं देता, एग्ज़ाम देता तो उसके अंदर उसको पास होने के लिए अपनी मेहनत करनी होगी, तब जा करके उसमें हायर एजुकेशन में भी जाएगा वो गेट में और नौकरियों में भी आएगा। इसमें पिक एंड चूज स्टेट वाइज नहीं हो सकता। नब्बे सीटों पर करीब करीब 900 उम्मीदवार हैं इस बार मनोहर लाल जी आपके पास। मुझे लगता है कि 10 साल पहले 900 कार्यकर्ता नहीं होंगे हरियाणा में, जब आप जोर लगा रहे थे, जब आप संघर्ष कर रहे थे। 900 उम्मीदवारों को जो संभावित हैं, कैसे चयन कैसे करेंगे, क्या आधार रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। हम अपने कार्यकर्ताओं को सब कहते हैं कि ठीक है, इच्छा रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब पार्टी का एक जो चिंतन और जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में से जो चयन होता है, उसके बाद कार्यकर्ता हमारा समझ जाता है। आखिर तो किसी विधानसभा पर एक सीट पर तो एक ही आदमी को लड़ना है, 2 तो लड़ नहीं सकते, 2 तो कोई भी नहीं लड़ा सकता। इसलिए सब कार्यकर्ताओं को ध्यान है, समझ है, और हमारा कर्तव्य बड़ा सहनशील है और बड़ा एक व्यवस्थाओं को मानने वाला है, और निश्चित रूप से हम उसमें से जितने कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन करेंगे सब लोग उसमें जुट जाएंगे। किसी तरीके की कोई बगावत होती है, कोई छोड़ के जाता है, कोई भागता है, उससे कोई नुकसान? नहीं, कोई बगावत करेगा नहीं, कोई छोड़ के जाएगा नहीं। आधी इनलो तो आधी से ज़्यादा इनलो आपके पार्टी में आ गई है, जो वहाँ से भागे वो आपके यहाँ से भाग सकते हैं, टिकट नहीं मिली तो? जो आदमी बीजेपी में आया है और जब तक बीजेपी उसके अंदर नहीं गई है तब तक उसको पक्का बीजेपी का मानते भी नहीं है। बीजेपी जब उसके अंदर चली जाती है फिर वो नहीं भागता है। मतलब ये साफ है कि टिकट अभी भी तय नहीं है जो लोग आए हैं? हमने किसी को भी कोई आश्वासन नहीं दिया, किसी की शर्त भी नहीं है, इसलिए बिना शर्त के सब लोग आए हैं। और उसमें जिस कार्यकर्ता के बारे में हमको लगेगा कि ये जनहित के अंदर इसको चुनाव लड़वाना या ये जीत सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को निभाने वाला है, वो आएगा और वो चुनाव भी लड़ेगा। और जो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे उनके लिए भी आखिर सरकार बनने के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको भी जिम्मेदारी हम दे सकते हैं, दे देंगे कोई ना कोई। देश में 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं, हरियाणा में 10 बन चुके। आपसे शुरुआत हुई, मोदी जी ने आपको सलाह दी थी गला ठीक करवाओ, आपने कुछ किया? स्वाभाविक है, मोदी जी के हमारे बड़े अच्छे संबंध है। मोदी जी ने उस प्रकार से एक बात जो की थी हमको भी बड़ी अच्छी लगी कि कम से कम मोदी जी हमारी इतनी चिंता करते। आप वहाँ बोल नहीं पाए थे बहुत ज़्यादा, आभार के अलावा बहुत समय नहीं दे पाए, शायद उन्होंने इस बात को भांपा था। नहीं, वो विषय ऐसा नहीं था, वो एक कम्युनिकेशन गैप था। मुझे ये बताया गया कि मोदी जी इंटरेक्ट करेंगे तो मैंने उनका आभार यानी वेलकम किया और फिर उनका धन्यवाद किया। मैं इस इंतजार में था कि मोदी जी कोई विषय हमारे से पूछना चाहेंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था। उसके बाद स्टेज के वो जो स्टेज सेक्रेटरी थी उसने फटाफट मोदी जी को बुला लिया, उनका भाषण शुरू करा दिया। अब मैं आखिरी सवाल है, ये बिल्कुल सही में आखिरी हुआ, 3 महीने पहले कार्यकर्ता सम्मेलन और अब जन आशीर्वाद यात्रा, आपने करीब करीब पूरा हरियाणा नाप लिया है, विपक्ष अभी तक शुरुआत नहीं कर पाया है, कहाँ पाएंगे आप विपक्ष को? देखिए, ये अपनी अपनी कार्यपत्ति है, हमारी कार्यपत्ति है, हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता, हमारे अध्यक्ष, हमारे मंत्री सब लगातार लगे रहते हैं,
और अपने अपने क्षेत्र को कई कई बार नापते हैं। विपक्ष की एक प्रकार से मुझे लगता नहीं है कि भी वो किस प्रकार की कार्यपत्ति अपनी रखते हैं। वो तो सारे प्रदेश में कोई उनका नेता घूमता भी नहीं है, अपनी अपनी जगह पर भी घूम ले तो बहुत बड़ी बात होती है। विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष को के ऊपर से जनता का भी एक विश्वास उठ चुका है, तो मुझे लगता है कि इस बार बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी अपने सफर को पूरे। अगली सरकार के प्रमुख 5 काम क्या होंगे? जनता को सुख पहुंचाना, ये हमारा प्रमुख काम है। और तो पहले भी कर चुके हैं आप, और भी बहुत बाकी बचे हुए हैं। स्काई इज द लिमिट, इसलिए हमने इस बार तय किया है कि अब रोटी कपड़ा मकान भी हो गया, बिजली पानी सड़क भी हो गई, अब शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अगले साल हम जो है पूरा फोकस करेंगे। बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी, आपका लिविंग इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपने समय निकाला, हमें मौका दिया जन आशीर्वाद यात्रा में सवार होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी इतने इस प्रकार से एक चलती हुई बस के अंदर और बहुत संतुलित होकर के आपके कैमरामैन ने और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को। मनोहर लाल जी ने हमें बताया कि हरियाणा को लेकर उनकी क्या योजनाएँ हैं, किसानों को लेकर वो किस तरीके से गंभीरता से काम कर रहे हैं, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज किस तरीके से जुमला साबित हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो संभावित 800-900 उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते हैं, उनमें से सिर्फ 90 लोगों को ही टिकट मिलेगा। राजन अग्रवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, जन आशीर्वाद यात्रा से।